हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग के इस लास्ट लेक्चर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? अभी तक हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वो एटम्स के बीच में लगने वाले स्ट्रांग फोर्सेस की बात करते थे। एटम्स के बीच में जब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो उससे मॉलिक्यूल या क्रिस्टल्स बनते थे। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नॉन मेटल्स के स्ट्रांग बॉन्ड के जरिए होता था। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनते थे उनके बहुत सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। उसका मेटल नॉन मेटल के बीच बनने वाला जो बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड, उससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता था, आयनिक क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल भी होते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स हमने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ी ज्यादा। तो कोवेलेंट बॉन्ड से जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनते थे उनके बीच में, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कैसे इंटरेक्शन करेगा, किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी की डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसको एक बार समराइज कर देते हैं। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं तो जितने भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पीसीज हमने पढ़े हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। आयनिक यानी कंप्लीट चार्ज है, पोलर इसका मतलब म्यू नेट, नेट डायपोल मोमेंट उसका नॉन जीरो है, तो ऐसे को डायपोल बोलते हैं। जैसे HCl पोलर है, SO2 पोलर, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एक अलग सेक्शन था वो पढ़ाया गया है। अगर कन्फ्यूजन तो एक बार उसको देख लीजिए फिर इसमें आगे बढ़िए। और तीसरा स्पीसी हमने लिखा नॉन पोलर, जिसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो, इसी का नाम हमने इंड्यूस्ड डायपोल लिखा। क्यों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी न्यूक्लियस होता है जैसे नोबल गैसेस में, और इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर डायरेक्शन में। लेकिन अगर इन मॉलिक्यूल को हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है, तो न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, ये सेल्फ इंड्यूस्ड है अपने आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ वैसे दूसरे डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकता है, इसके बराबर चांसेस हैं। तो इसके लिए नेट डायपोल मोमेंट विद द टाइम ये जीरो हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए ये जो डायपोल जनरेट हुआ इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, ये मोमेंटरी डायपोल है, ये अपने आप भी जनरेट होता है और किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में आकर भी जनरेट होता है। अगर ये डायपोल, ये पोलरिटी जो जनरेट हुई इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी एक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। तो ये पोलराइजेशन है, अगर ये पोलराइजेशन किसी आयनिक यानी कंप्लीटली चार्ज, कंप्लीट चार्ज वाले स्पीसीज ने किया तो उसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल, और अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल ने किया तो उसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये इंड्यूस्ड डायपोल देखिए लास्ट के थ्री टर्म्स में आ रहा है, अपने आप ये जनरेट हो रहा है, तो इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इसकी बात करते हैं। फिलहाल हमने तीन तरीके के मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्पीसीज लिए, आयनिक, पोलर एंड नॉन पोलर। इनके बीच में अगर हम इंटरेक्शंस की लिस्ट बनाएं कितने तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है, तो नंबर के बेसिस देखें, 1-1 के साथ इंटरेक्ट करेगा, 1-2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, 1-3 के साथ, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, 2-2 के साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, 2-3 के साथ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, एंड देन 3-3 के साथ इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये छह क्लासेस डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो पहला है दोनों चार्ज पार्टिकल होंगे, तो इसको हम स्ट्रांग फोर्स में रखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम वीक फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं, ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका तो अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा लेकिन वीक फोर्स, तो दो आयंस के बीच में होने वाला जो इंट्रैक्शन है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और ये स्ट्रांग फोर्स होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो हम फोर्सेस पढ़ेंगे वो सिर्फ पांच तरीके के फोर्सेस पढ़ेंगे। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1-2-3-4-5, ये वीक फोर्सेस हैं। इसी का पहला है आयन डायपोल इंटरेक्शन, दूसरा हमने लिखा था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एक चार्ज पार्टिकल हो और एक पोलर मॉलिक्यूल तो आयन डायपोल इंटरेक्शन लगेगा। इनके एग्जाम्पल भी हम लिखते चल रहे हैं। चार्ज पार्टिकल हमने लिया Na+ और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है,
हाइड्रेशन में, एनए प्लस के हाइड्रेशन में मुझे बताया था आयनिक कंपाउंड्स में, तो एनए प्लस के हाइड्रेशन में जो इंट्रैक्शन काम करता है वो आयन डायपोल इंट्रैक्शन है। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में या किसी भी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन, वो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा। आयन इंड्यूस्ड डायपोल, तो इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल होगा और एक नॉन पोलर। तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल हमने ले लिया एनए प्लस और ब्रोमीन लिक्विड ले लिया। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, इसका मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर और CCl4 के बीच में इंट्रैक्शन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चे कि वाटर तो CCl4 में सॉल्युबल ही नहीं है क्योंकि ये पोलर और ये नॉन पोलर है। अच्छा, सॉल्युबल नहीं है तो जब इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये डिफरेंट लेयर बना लेंगे एज पर द डेंसिटी। जब डिफरेंट लेयर बना लेंगे तो इनका एक सरफेस एक दूसरे के तो कॉन्टेक्ट में आएगा। जो लिक्विड नीचे है उसका अपर सरफेस जो है और जो लिक्विड ऊपर है उसका लोअर सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बहुत वीक फोर्स होता है, वही डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन है। तो वाटर CCl4 को रख दीजिए तो अलग लेयर बन जाएगा, दो लेयर के कॉन्टेक्ट का जो सर्फेस है वहाँ पर ये इंट्रैक्शन काम करेगा। तो सही बात है, ये मिक्सअप नहीं होंगे लेकिन इंट्रैक्शन काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, इसको डिस्पर्सन, इसको लंदन फोर्स बोलते हैं। फ्रिट्ज लंदन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था इंड्यूस्ड डायपोल के बारे में, तो उन्हीं के ऑनर में ये नाम दिया गया है। और इसके लिए दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों, और हम सॉलिड लिक्विड गैसेस में अगर हम बात करें जैसे हीलियम, हीलियम के साथ गैसेस स्टेट में, नोबल गैसेस, सारे नोबल गैसेस में इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन लगता है। देन लिक्विड में ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड से नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और सॉलिड में आयोडीन, आयोडीन से, इसलिए ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता है। फिलहाल ये इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स हो गया। कितने तरीके के फोर्सेस हमने यहां पर देखे? पांच तरीके के फोर्सेस। अब एक और खास बात यहां पर देखिएगा, इन फोर्सेस की जो डिटेल है वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में है ही नहीं। इन फोर्सेस की डिटेल दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग के बाद का वाला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट फोर पेजेस जो हैं वो इन्हीं की डिटेल से भरे हुए हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के शुरू के चार पेजेस जब आप पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल मिल जाएगी, हमने उसी को यहां पर समराइज किया हुआ है। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है तो एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग का भी हिस्सा है। केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हम यहां पर केमिकल बॉन्डिंग इसको पढ़ा देते हैं। और स्टेट्स ऑफ मैटर में जनरली ये इग्नोर किया जाता है क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में लोग गैस लॉस को पढ़ाने में, रियल गैस, आइडियल गैस का कंसेप्ट, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस का कंसेप्ट, ये बताने में इसको लगभग स्किप कर देते हैं। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में बताना हमारा फर्ज है इसका। इन फोर्सेस के बारे में एक खास बात और बताते चलें आपको कि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दिए गए हैं ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखे स्टेट्स ऑफ मैटर में दिए गए हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के जस्ट बाद वाला चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर में यूजली इनको पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि वहां पर गैस लॉज, रियल गैसेस, आइडियल गैसेस और लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं किसी भी बुक से तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए हम इसको केमिकल बॉन्डिंग को कवर कर ले रहे हैं। आप जब रीड करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर तो उसमें कंटेंट नहीं मिलेगा, तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर के फर्स्ट फोर पेजेस को स्टडी कर लीजिएगा, उसमें यह पूरी डिटेल में दिया गया और उसी को हम समराइज कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने पढ़ा है फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम्ब फोर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो बोलते हैं आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइन अगर पॉजिटिव रहेगा तो माइनस लगता है यहां पर, क्यों? माइनस का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब चार्ज की इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो आर के ऊपर एनर्जी की डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। इसको ऐसे समझिए, अगर हमने बोला ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r तो इसका तो आर को डबल करने पे ई हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कह दिया ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² यहां r के पावर 1 है, यहां पर r के पावर 2, तो अब r को
डबल करने पर एनर्जी 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब आर में अगर बराबर चेंज कर रहे हैं तो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा तेजी से चेंज होती है। इसका मतलब एनर्जी का डिपेंडेंस आर के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जितना है, आर यहाँ रेडियस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा है, उसका पावर जितना ज़्यादा है, एनर्जी की डिपेंडेंस उसके ऊपर उतनी बढ़ती जाती है। तो चार्ज जब कम होता जाता है तो डिस्टेंस के ऊपर उसका डिपेंडेंस बढ़ता जाता है। इस बात को अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, ये आयन डायपोल इंट्रैक्शन है, फिर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। यहाँ एक कंप्लीट चार्ज है, एक पार्शियल चार्ज है। यहाँ पर दोनों ही पार्शियल चार्जेस हैं। यहाँ पर एक कंप्लीट चार्ज है और एक चार्ज इन्फ्लुएंस किया गया है, जबरदस्ती डेवलप किया गया है, पोलराइज करके डेवलप किया गया है। तो चार्ज की इंटेंसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे डिस्टेंस के ऊपर इसकी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर भी इंड्यूस्ड डायपोल है। इंड्यूस्ड डायपोल कहाँ है? आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और ये इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये वीकेस्ट फोर्स है, जिसको लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। इसके लिए जो एनर्जी का है डिपेंडेंस, वो आर के पावर 6 के प्रोपोर्शनल होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर में ये सारी बातें लिखी गई हैं, फिर मैं उसको समराइज करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है तो भी यहाँ पर एनर्जी जो है वो 1/r के पावर 6 के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर एक इंड्यूस्ड डायपोल है और दूसरा पार्शियल चार्ज है, या दूसरा भी इंड्यूस्ड डायपोल है, तो r के पावर 6 के ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक कंप्लीट चार्ज, एक पार्शियल चार्ज। जब दोनों कंप्लीट चार्ज था तो एनर्जी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। जब एक पार्शियल चार्ज हो जाएगा तो जो एनर्जी है वो आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने कंप्लीट चार्ज में फोर्स को इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कराया था। यहाँ पर एक पार्शियल चार्ज है और एक कंप्लीट चार्ज है, तो आर के पावर 2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, दोनों अगर पार्शियल चार्ज हो जाए तो ये आर के पावर क्या होगा? 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीट चार्ज था, यहाँ पर दोनों पार्शियल चार्ज हो गए। जब चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई तो आर के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ गया, क्योंकि आर का पावर बढ़ गया। अच्छा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल का इंट्रैक्शन ऐसा मिलता तो नहीं है, लेकिन इसको हम इसी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, 1/r⁴। ये इंटरेक्शन एनर्जी कही जाती है। क्या कही जाती है? इंटरेक्शन एनर्जी, और पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन उनका डिपेंडेंस। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस डबल कर देंगे तो इंट्रैक्शन एनर्जी 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर डबल करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, यहाँ पर डबल करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 1/64 हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज की इंटेंसिटी जितनी कम, इंट्रैक्शन की एनर्जी डिस्टेंस के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड करेगा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और पूरी डिटेल एक बार पढ़ेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा। एक और खास बात इसमें देखिए, ये जो आयन डायपोल इंट्रैक्शन है, इसको छोड़ के जितने भी इंट्रैक्शंस हैं, जितने मतलब कितने इंट्रैक्शन, टोटल 5 था, आयन डायपोल इंट्रैक्शन को छोड़ के जितने भी इंट्रैक्शन हैं, इन सब को मिला के वांडरवाल्स इंटरैक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा वांडरवाल फोर्सेस। तो वांडरवाल फोर्सेस में इन जनरली सारे फोर्सेस को रखते हैं एक्सेप्ट आयन डायपोल इंट्रैक्शन। आयन आयन इंट्रैक्शन तो वीक इंट्रैक्शन है ही नहीं, वो तो हमने पहले बता दिया था, आयनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रांग फोर्सेस होता है। तो डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इन सबको मिला के वांडर वाल फोर्सेस कहे जाते हैं। इसके सिवाय डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन का एक स्पेशल केस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में बहुत स्ट्रांग इंट्रैक्शन है, इस वजह से इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही दिया हुआ है। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो अब हमने जो पढ़ा उनमें क्या क्या आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल शोज आयन डायपोल इंट्रैक्शन। चार पेयर ऑफ मॉलिक्यूल लिख देगा, तो आपको पहचानना है कि एक कंप्लीट चार्ज वाला हो और एक पोलर हो, यानी पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। तो इंट्रैक्शन को क्वेश्चन में रखा और पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऑप्शन में बना दिया।
इसका उल्टा करेगा, एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल लिख देगा, जैसे बोलेगा ब्रोमीन एंड वाटर शोज, या द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ब्रोमीन एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी, चार ऑप्शन बना देगा। तो हमको पहचानना पड़ेगा ब्रोमीन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। नॉन पोलर का मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल और पोलर का मतलब डाइपोल, तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। इसका मतलब किस पेयर ऑफ मॉलिक्यूल में किस तरीके का इंट्रैक्शन काम करेगा ये पहचानना, यही पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इनका जो इंट्रैक्शन एनर्जी है और पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है उनके ऊपर डिपेंडेंस किस पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में दिया गया है लेकिन हमने यहां पर कवर कर दिया, एक बार अच्छे से इसको देख जाइएगा। इतनी बात यहां के लिए, और अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे यहां पर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पहले तो ये जानिए कि ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन या शेयर होता है। इट इज अ काइंड ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस वजह से इसको अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एवरी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट एवरी हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कब किसी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका मतलब हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए, तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करता। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करे ऐसा जरूरी नहीं है। सो व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए। क्या कहा, हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए एंड दैट ए कैन बी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नथिंग एल्स। तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा और इस एटम के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो एक डाइपोल की तरह वर्क करेगा ये बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव पोल बना रहा है एक डाइपोल का, इसके अपोजिट साइड में दूसरी साइड में एक दूसरा एलिमेंट आना चाहिए बी विच इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज बॉन्डेड टू एनी अदर एटम। सो ए एंड बी बोथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो बी है ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये एक डायपोल का पॉजिटिव पोल बन गया हाइड्रोजन और दूसरे डायपोल के नेगेटिव पोल के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। दिस कैन बी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इट कैन बी क्लोरीन ऑक्सीजन की जगह, सल्फर नाइट्रोजन की जगह, फास्फोरस भी ले सकते हैं। इसका मतलब जिसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसका फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना कंपलसरी है, लेकिन जिसके साथ ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करेगा उसका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना कंपलसरी नहीं है, कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटेलिक एटम भी हो सकता है, जिसके हमने दो तीन एग्जांपल ले लिए, फ्लोरीन के जस्ट बाद वाला क्लोरीन, ऑक्सीजन के जस्ट बाद वाला सल्फर, नाइट्रोजन के जस्ट बाद वाला फास्फोरस। अब इनके बीच में जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। सो फिर से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, सो अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन विच इज जनरेटेड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगेन अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन विच इज जनरेटेड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन विच इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू विच हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड मस्ट बी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड द अनदर एलिमेंट विच इज अगेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव टू विच हाइड्रोजन इज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और एनी अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास इस टॉपिक से ही आता है कि
which of the following molecule will exhibit hydrogen bond, which will not exhibit the hydrogen bond. तो चार ऑप्शन दे देगा और चार मॉलिक्यूल्स लिख देगा, फार्मूला लिखेगा या नाम लिख देगा, जैसे अल्कोहल लिख दिया उसने, या किसी अल्कोहल का फार्मूला लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या जनरल फार्मूला ROH लिख दिया, और पूछेगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है. तो ये पहचानने के लिए हमको इसी कैटेगरी पे जाना है कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना रहा है, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए. अब ये ए और बी जो है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल का हिस्सा हो सकता है, या ए और बी हो सकता है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हों. तो अगर ए और बी दोनों, ए बी और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है, तो इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और अगर ए और बी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के हिस्से हैं, तो इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए हम पहले इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कितने टाइप होंगे? पहला, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि किसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किसमें नहीं. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने बताया, जैसे हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होने चाहिए किससे? फ्लोरीन से. तो पहला मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो HF होगा. फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1. तो सिर्फ एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा. अब यहाँ हाइड्रोजन या फ्लोरीन में से किसी एक को हटा देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा. इसका मतलब फ्लोरीन का सिंगल कंपाउंड ये है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. कभी कभी लोग करते हैं क्या, CH3F मिथाइल फ्लोराइड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, फ्लोरीन से कार्बन जुड़ा है और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है. तो कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों हैं तो ज़रूरी नहीं कि वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. फ्लोरीन का हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा होना ये ज़रूरी है. तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि फ्लोरीन का कंपाउंड जो HF है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और नहीं करते. अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है S2, तो इसलिए सिंपलेस्ट कंपाउंड S2 होगा. अब S2 में दो OH बॉन्ड है, दो OH बॉन्ड में से अगर एक OH बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यानी एक H को रिप्लेस कर दीजिए किसी और ग्रुप से, तब भी OH ग्रुप बचेगा, OH बॉन्ड बनेगा, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. इसका मतलब एल्कोहल R लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, RCO लगा दिया तो एसाइल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. ऐसे होते हैं ऑक्सी एसिड्स, एग्जाम्पल H2CO3. देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होता है COOH ट्वाइस. जितने ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसमें OH ग्रुप नॉन मेटेलिक एटम से जुड़ता है, तो सारे ऑक्सी एसिड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए. फिलहाल हमने वाटर में से एक H को हटा के क्या लगा दिया, R, या कोई भी ग्रुप, एसाइल ग्रुप लगा दिया, बेंजीन रिंग लगा दिया, फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. लेकिन अगर हमने दोनों H को हटा दिया, जैसे ROR, ईथर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. तो एक H हटा के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है. अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वैलेंसी 3 है, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अमोनिया से एक H हटा दीजिए, RNS2 बना दीजिए या RCONS2 बना दीजिए, प्राइमरी मीन प्राइमरी माइड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अगर हमने दो H को हटा दिया तो R2NH सेकेंडरी मीन और RCONH, इसका भी H हटा के R लगा दिया तो ये सेकेंडरी माइड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्योंकि NH बॉन्ड है इसमें. लेकिन अगर हमने तीसरा हाइड्रोजन हटाया गया, R3N लगाया, तो R3N में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, यानी टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. और इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं. अगर हम टर्शियरी एमाइड भी ले लें तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. तो यानी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक एक करके आप देखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, उसमें फ्लोराइड को स्पेशल ध्यान रखते हुए, फिर एल्कोहल, ईथर,
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के चार डेरिवेटिव कौन कौन से, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड और एस्टर। उसके बाद एमीन, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन। फिर एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एल्केन एंड एल्काइल नाइट्राइड। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप खुद लिस्ट बनाइएगा कौन हाइड्रोमोनिक शो करेगा कौन नहीं। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाले तीन एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल। और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो दो HF मॉलिक्यूल में, दो वाटर मॉलिक्यूल में, दो अमोनिया मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका कुछ इंपॉर्टेंट केस होता है। तो हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं HF का। HF अगर गैसेस स्टेट में, पेन थोड़ा डार्क यूज कर लेते हैं हम, HF अगर वेपर फेज में है तो दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा पर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के जरिए एक और एक फ्लोरीन के जरिए। इसी वजह से ये H2 F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये डाइप्रोटिक एसिड बन गया एक तरीके से। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF इट फॉर्म्स एसिड सॉल्ट लाइक KHF2 वेयर इज KHCl2 इज नॉट फॉर्म्ड। जब आप इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो एक एच प्लस निकालो तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, और ये जो KHF2 है पर्टिकुलरली ये एक्चुअली K प्लस एंड HF2 माइनस में ब्रेक होता है, तो ये इसके कटायंस और एनायंस हो गए। अब कटायन K प्लस है, HF2 माइनस कैसे होता है, K प्लस के साथ F माइनस आता है और फिर यहां पर आता है HF। देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो ये बॉन्ड पोलर होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का ये एग्जाम्पल है, इस वजह से ये HF2 माइनस एक पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर यहां पर हम फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दें तो इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जनरेट हो पाता है, इसलिए KHF2 तो बनता है लेकिन KHCl2, KHBr2, KHI2 नहीं बनता है। एक खास बात यह हो गई। दूसरा ध्यान रखिएगा, इसका एक कोई नाम होता है KHF2 सॉल्ट का, कभी याद आएगा तो बताएंगे या तो पी ब्लॉक में बता देंगे। इसी के इलेक्ट्रोलिसिस से फ्लोरीन जनरेट किया जाता है, KHF2 की इलेक्ट्रोलिसिस से फ्लोरीन जनरेट किया जाता है। तो फिलहाल HF में वेपर फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये इंपॉर्टेंट केस। HF अगर लिक्विड स्टेट में तो यहां पर जिगजैग चैन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, जैसे HF, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल पोलर हैं, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, फ्लोरीन के सामने हाइड्रोजन आना चाहिए और फिर फ्लोरीन, फिर यहां पर आएगा हाइड्रोजन और फिर यहां पर फ्लोरीन, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इस तरीके से ये बॉन्ड बनता चला जाएगा, तो ये जिगजैग चैन बनाएगा। अभी भी एक मॉलिक्यूल ने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन के जरिए और एक हाइड्रोजन के जरिए। खास बात क्या ध्यान रखनी है यहां पर, देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन में तो फ्लोरीन थोड़ा बड़ा एटम है तो फ्लोरीन हमेशा एंड्स पे होना चाहिए और बीच में आना चाहिए हाइड्रोजन।
अगर आप मॉलिक्यूल को रिवर्स कर देंगे तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप थ्योरेटिकली दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन करें तो इनके बीच का डिस्टेंस कम है, और जबकि यहाँ पर कॉर्नर्स पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फ्लोरीन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए फ्लोरीन को कॉर्नर्स पर रखना जरूरी है। बस इतना ही ध्यान रखना है। यानी कुल मिला के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब HF शो करेगा तो गैसेस फेज में या वेपर फेज में डाइमर बनाएगा और दो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, और लिक्विड फेज में ज़िगज़ैग चैन बनाता है और उसमें भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ये एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ना है हमको, वाटर में पढ़ना है। वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो दो OH बॉन्ड है और दोनों पोलर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है। तो वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है यानी आइस क्रिस्टल जब बनाता है, तो आइस के क्रिस्टल में क्या होगा, ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पर मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के जरिए बनाएगा और दो ऑक्सीजन के जरिए बनाएगा टेट्राहेड्रली। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के सामने आएगा ऑक्सीजन ऑफ एनदर वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के सामने आएगा हाइड्रोजन ऑफ एनदर वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद ये फर्दर अपना दो बॉन्ड बनाते रहेंगे, ये जुड़ता जाएगा। हर हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए गौर से, यहां पर हाइड्रोजन चैप्टर जो है उसमें वाटर के बारे में कुछ खास बात लिखा गया है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है बी, तो यहां इन दो ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस होगा ए बी, यहां पर पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा ए बी, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा ए बी और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा ए बी। तो बोला जाता है कि आइस क्रिस्टल में एवरी ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय फोर ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली एट इक्वल डिस्टेंस। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इन आइस क्रिस्टल एवरी ऑक्सीजन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय फोर ऑक्सीजन एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस। अब ये इक्वल डिस्टेंस कैसे आया, तो देखिए यहां पर एक OH कोवेलेंट बॉन्ड है और एक OH हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो चारों तरफ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फिर कोवेलेंट बॉन्ड, दो तरफ क्या है, पहले कोवेलेंट बॉन्ड है फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बाकी दो तरफ पहले हाइड्रोजन बॉन्ड है फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल डिस्टेंस बराबर होगी। तो एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से सराउंडेड है टेट्राहेड्रली, चार, 1, 2, 3, 4, चार में से दो के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और दो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक ऑक्सीजन के अराउंड जो चार हाइड्रोजन एटम है उनकी डिस्टेंस बराबर नहीं है। दो हाइड्रोजन नजदीक हैं जो उससे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और दो दूर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन से चार ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो इस तरीके से ये हेक्सागोनल क्रिस्टल बनाता है, आइस क्रिस्टल जो होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन समझिए या हाइड्रोजन का चैप्टर का क्वेश्चन समझिए, कुल मिला के हमको ये समझना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल फोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्रिस्टल में। लिक्विड स्टेट में वेल डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन हम चार ही मान के चलते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं होता क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलेटिव मोशन करते रहते हैं। तो आइस क्रिस्टल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम प्रॉपरली बता सकते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ गया कि इसकी वोलेटिलिटी घट जाती। नॉट ओनली वाटर, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वाटर में हो रही है, इन तीनों की वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन से कम होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसकी वोलेटिलिटी वेपर प्रेशर कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये बात हम अलग से एक और एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये कंपाउंड जो है ये हाइड्राइड्स हैं पी ब्लॉक में 14 से लेकर 17 ग्रुप तक के। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड का। 15 ग्रुप में ये ग्रुप नंबर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का। ऐसे ही 16 और 17 ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं। इसमें आपको मालूम है अमोनिया, वाटर और HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, बाकी नहीं। अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा वोलेटिलिटी उतनी कम होगी। व्हाट इज वोलेटिलिटी,
वोलेटिलिटी इज टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। वेपर बनाने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जो लाइट वेटेड मॉलिक्यूल होगा। नीचे जाने पर मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन तो कॉन्स्टेंट है लेकिन एटम जो इस ग्रुप का एलिमेंट है वो हैवी होता जा रहा है। तो मॉलिक्यूल मास बढ़ने की वजह से वेपर बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है, यानी वोलेटिलिटी क्या होती जाती है? कम। अच्छा, मास तो बढ़ रहा है साथ साथ साइज भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूल का साइज जितना ज़्यादा इसका पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसमें इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन या जो भी इंट्रैक्शन हो वो स्ट्रांग इंट्रैक्शन होगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो नीचे जाने पर वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। सो वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों चीज़ें नीचे जाने पर बढ़ रही हैं तो वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जो ऑर्डर दे रहे हैं ये वोलेटिलिटी का ऑर्डर है। अब ये जो वोलेटिलिटी है, नीचे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है साइज बढ़ने की वजह से, तो वोलेटिलिटी कम होती जाएगी। तो अगर हम 14th ग्रुप में देखेंगे तो वोलेटिलिटी मीथेन की सबसे ज़्यादा है, साइलेन उससे कम, जर्मेन उससे कम, स्टेनेन उससे कम, प्लम्बेन सबसे कम। वोलेटिलिटी कम हो रही है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो जो वोलेटिलिटी का ऑर्डर वही वेपर प्रेशर का ऑर्डर है। इसका मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। अगर हमसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट, सो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर। तो अगर हमसे कोई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बोले तो इसका उल्टा कर देंगे, और अगर हमसे वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछे तो सेम ऑर्डर आएगा। अमोनिया, वाटर और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ एक्सेप्शंस आते हैं। अमोनिया से फॉस्फिन की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से वोलेटिलिटी कम होगी। वाटर से H2S की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वाटर लिक्विड है और H2S गैस। बहुत शुरू से क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर लिक्विड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, H2S गैस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एब्सेंस की वजह से। H2S के बाद कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर वोलेटिलिटी कम होती जाएगी। ऐसे ही HF से HCl ज़्यादा वोलेटाइल है और उसके बाद वोलेटिलिटी कम होती जाती है। तो तीन एक्सेप्शन तीन ग्रुप में आए हाइड्राइड्स में। और इसमें खास बात क्या है कि अमोनिया की वोलेटिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम तो हुई, सवाल है कि अपने ग्रुप में किससे किससे कम हुई। तो इसकी वोलेटिलिटी जो होती है वो दो मेंबर से कम होती है। इसका मतलब मोस्ट वोलेटाइल फॉस्फिन, फॉस्फिन गैसियस है, फॉस्फिन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ दो मेंबर से ज़्यादा होगा। तो आप करेक्ट ऑर्डर भी लिख सकते हैं। अमोनिया से स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर, इस वजह से अगर ये दो को जंप कर रहा तो ये चार को जंप करेगा, यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे ही HF का हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से भी स्ट्रांग होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में ज़्यादा है पर मॉलिक्यूल, लेकिन जो हर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो HF में ज़्यादा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा डोमिनेंट है और HF में स्ट्रेंथ, इसलिए HF का भी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे कम वोलेटिलिटी होती है। तो ये वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का किस्सा हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है, इस चैप्टर में पढ़ाया गया। लेकिन ये डिटेल जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है ये पी ब्लॉक में आता है, तो पी ब्लॉक में इसको फिर से रिवाइज किया जाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब सबसे आखिर में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा? वोलेटिलिटी एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, दस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एग्जाम्पल, जो सबसे ट्रेडिशनल पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का,
ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल क्या है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया, हमेशा आप यहां पर लगाते हैं OH ग्रुप, कहीं लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर OH बॉन्ड जो है वो पोलर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जहां पर OH लगा है उसके जस्ट बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। अगर आप यहां पर नाइट्रो लगाएंगे, वैसे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर आता है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा, दिस विल बी व्हाट इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल हो गया। इसमें अगर आप काउंट कीजिए, सो ऑक्सीजन दो है, एक हाइड्रोजन है तीन, दो कार्बन हो गए पांच और एक नाइट्रोजन छह, ये सिक्स मेंबर रिंग बन रहा है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव तब ज्यादा होता है जब फाइव या सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो, जैसा कि ये एग्जांपल है। इसकी वजह से जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो स्टीम वोलेटाइल है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता है लेकिन इंट्रा नहीं इंटर होता है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। अगर हम नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा दें तब भी यहाँ पर इस कंपाउंड में OH बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे, तो यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी वोलेटिलिटी कम होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर है OH और यहां पर लगा दीजिए फ्लोरीन, इसको बोलते हैं ऑर्थो फ्लोरो फिनॉल। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां पर देखिए फाइव मेंबर रिंग बनेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, फाइव मेंबर रिंग है। इसकी वजह से इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, यानी बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जो इसका आता है म्यू ऑब्जर्व्ड इट इज ग्रेटर देन म्यू थियोरेटिकल। ये हमने केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया हुआ है, पोलर नॉन पोलर में फिलहाल क्वेश्चन भी वहां पर दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है इनको अगर पीछे मिलाएंगे तो एक एंगल आएगा और इस अट्रैक्शन की वजह से एंगल कम हो जाता है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट इसका बढ़ जाता है। तो जो ऑब्जर्व ओ फॉर ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट वो हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट जितना उससे ज़्यादा आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड के। एक दो और इंपॉर्टेंट केसेस देख ले रहे हैं जो क्वेश्चन ग्रुप में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे क्लोरल हाइड्रेट फॉर्मूला होता है CCl3CHO.S2O, ज्यादा अप्रोप्रिएटली CCl3CHOH2। देखिए ये कंपाउंड है CH3CHO, एस्टल्डिहाइड है, इसका तीनों हाइड्रोजन हटा दीजिए और क्लोरीन लगा दीजिए तो इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल। एस्टल्डिहाइड में वाटर जोड़ दीजिए, कैसे जुड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड होता है पोलर, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो जो वाटर इसके ऊपर जुड़ेगा तो वाटर का नेगेटिव पोल यानी OH माइनस कार्बन पे जुड़ेगा और H प्लस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, तो ये जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा? CH के ऊपर O के ऊपर जब H प्लस जुड़ेंगे तो ये OH बन जाएगा और इसके ऊपर OH जुड़ेंगे तो ये भी OH जुड़ जाएगा, यानी एक कार्बन पे दो OH है। तो वाटर जब हम एल्डिहाइड ग्रुप पर जोड़ते हैं तो ये बन जाता है जेम डाइऑल, एक ही कार्बन पे दो आइडेंटिकल ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं जेमिनल,
जेमिनल का शॉर्ट फॉर्म होता है जेम। तो दो OH ग्रुप जब एक ही कार्बन पे तो ये अनस्टेबल होता है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट जेम डाई ऑल होता है लेकिन फिर भी स्टेबल है ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक कार्बन से टेट्राहेड्रली तीन क्लोरीन जुड़े हैं, तीन कॉर्नर्स बनेंगे टेट्राहेड्रल, और दूसरे कार्बन पे दो OH ग्रुप जुड़े हैं। अब अगर यहां पर पोलरिटी देखिए तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव क्योंकि क्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इंट्रामॉलिक्यूलर, फाइव मेंबर रिंग बन रहा है इसलिए इससे स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर हम यहां पर सीएल हटा के एच लगा दें, इसका मतलब एस्टेल्डिहाइड का हाइड्रेट बनाए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो जेम डाई ऑल आर यूजली अनस्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट क्लोरल हाइड्रेट इज अ जेम डाई ऑल बट स्टेबल बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये बात भी अब जब यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से नहीं बना रहा, किससे बना रहा है? क्लोरीन से बना रहा है। ये बात हमने बताया था कि जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करेगा वो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना जरूरी नहीं है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना जरूरी है, लेकिन जिसके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसका फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना कंपलसरी है। तो ये बात भी यहां पर एक्सप्लेन हो गई। एक इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट किस्सा, ब्लू विट्रियॉल, बहुत शुरू से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा CuSO4.5H2। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे चल के और डिटेल में देखेंगे तो और बात ये क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्मूला जो लिखा जाता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है CuSO4SO4.H2। यहां पर पांच वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनमें से ये जो चार वाटर मॉलिक्यूल हैं स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने लिख दिया ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड हैं। इनको बोलते हैं लिगेंड्स, और ये चार बॉन्ड बना रहा है कॉपर लिगेंड्स के साथ, इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये बात बहुत सिंपल हो जाएगी कि कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है इसलिए चार वाटर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये जो पांचवा वाटर होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू विट्रियल में पर फॉर्मूला यूनिट कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, सो आंसर इज वन। हम इसको ऐसे देख सकते हैं CU, चार वाटर मॉलिक्यूल हैं, टेट्राहेड्रली जुड़ता है, लेकिन हम यहां स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, हम यहां हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कॉपर के ऊपर प्लस टू चार्ज होते हैं और यहां पर होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फेट मॉलिक्यूल। ये सल्फेट का एक कैनोनिकल फॉर्म, अदरवाइज ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अगर हम इनकी पोलरिटी देखें तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, याद कीजिए दो लोन पेयर पे, यहां पर फिर से पॉजिटिव आएगा, इनके ऊपर नेगेटिव आएगा, वैसे तो पॉजिटिव इनके ऊपर भी आएगा लेकिन हम जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना चाहते हैं सिर्फ उसके बारे में देखते हैं। यह हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है और बाकी चार जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है और कॉपर एक्सेप्टर होता है। तो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एरो बनाते हैं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जितनी डिटेल्स थी हमने बता दी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नोट्स में भी दिए गए हैं और प्रैक्टिस पेपर में भी दिए गए हैं जो JRS का मॉड्यूल है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद एक और टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड, जो कि सिलेबस में नहीं, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखेंगे NCERT में तो उसमें नहीं है, फिर भी मेटेलिक बॉन्ड से क्वेश्चन आपको मिलता रहता है बुक्स में, तो हम मेटेलिक बॉन्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हमने देखे, कौन कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और लास्ट मेटेलिक बॉन्ड देखने जा रहे हैं। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पांच तरीके के फोर्सेस थे, आयन डायपोल डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, उसी का नाम डिस्पर्सन या लंदन फोर्स था। आयन डायपोल इंट्रैक्शन को छोड़ के बाकी चारों फोर्सेस जो थे
उनको हमने वैन डर वाल फोर्सेस में रखा, और इसके सिवाय उनका इंटरेक्शन एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स में क्या रिलेशन था वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो बता दिया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पूरी डिटेल। तो इस तरीके से चैप्टर बड़ा था, लेकिन बड़े चैप्टर का बड़ा फायदा होता है कि 3 से कम क्वेश्चन आपको नीट से इससे कभी नहीं मिलेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे पी ब्लॉक, वो एक तरीके से पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्ड, अगला चैप्टर पी ब्लॉक नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का खूब सारा यूज़ है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये 3 चैप्टर जो हम कंप्लीट करेंगे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स, इन तीनों का रिविजन हो जाएगा पी ब्लॉक में। तो हमारे लिए एक और बोनस पॉइंट ऐड हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमने 3 चैप्टर पढ़ा और तीनों का रिविजन किया, और उसके बहाने हमने एक 4th चैप्टर भी पढ़ लिया। और इन 4 चैप्टर से आपको 8 से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यूजली तो ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन मिल जाता है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट में जो 15 क्वेश्चन आना है उसमें से मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन केवल इन 4 चैप्टर से मिलेगा, और बाकी 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लगभग आएगा। तो आइए पढ़ते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में अगर हम पढ़ें तो मेटेलिक बॉन्ड का मतलब होता है कि मेटल्स के एटम्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड, जो मेटेलिक क्रिस्टल में इन जनरल देखा जाता है। मरकरी सिर्फ लिक्विड है मेटल के रूप में, और उसमें भी मेटेलिक बॉन्ड है। ऑब्वियसली मरकरी में जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्ड होगा। मरकरी को छोड़ते तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मेटेलिक एटम्स के बीच में लगने वाले बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इनको एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी दी गई, एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, दूसरा गया बैंड थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को हम वैलेंस बॉन्ड अप्रोच बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, ये कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के 2 अप्रोच थे, याद कीजिए। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में बताया जाता है सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कहता है कि सिर्फ वैलेंस शेल नहीं इनर शेल के ऑर्बिटल भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ मॉलिक्यूल तो नहीं बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, लेकिन बॉन्ड में इन्वॉल्वमेंट अगर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का दिखाया जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड अप्रोच हो गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, और बैंड थ्योरी में सारे ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इसलिए उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच यानी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल अगर देखें, इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल भी बोलते हैं, पूल मतलब स्विमिंग पूल वाला जो होता है मास ऑफ लिक्विड, सी भी एक बल्क मास ऑफ लिक्विड है। तो अगर हम सोडियम क्रिस्टल में देखें तो सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे, और क्रिस्टल का मतलब डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होगा। हम इसको 2D में अरेंज करके दिखा रहे हैं कुछ एटम्स को, ऐसे सोडियम इसके आगे भी और इसके पीछे भी लॉन्ग ऑर्डर में 3D में अरेंज होंगे। सोडियम का वैलेंस शेल अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, वैलेंस शेल 3 का s है। सबका s जो होता है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा, जैसे ये 3s है तो ये 3s इससे भी ओवरलैप कर जाएगा, इससे भी कर जाएगा, इससे भी ओवरलैप कर जाएगा। तो यानी वैलेंस शेल एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए एक पूरा पूल बना लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, सब मूव कर सकते हैं। यानी किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके साथ अब नहीं रह गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम हर मेटल को उसके कटाइन के फॉर्म में, इसको कैर्नल बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और कैर्नल्स की पोजीशन मेटल क्रिस्टल में फिक्स है। अब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं कैर्नल्स के बीच में डीलोकलाइज होंगे। जैसे हमने 9 सोडियम बनाया है और हर एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमको 9 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो पोजीशन फिक्स नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज्ड। अब देखिए किसी भी मोमेंट पर एक इलेक्ट्रॉन को उसके चारों तरफ के कर्नल अट्रैक्ट करेंगे, और कोई एक कर्नल अपने चारों तरफ के सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यही मेटेलिक बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट ऑपरेट्स बिटवीन कर्नल्स ऑफ द मेटेलिक एटम्स एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीके से मान के चलिए इलेक्ट्रॉन का पूल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लूइड फॉर्म है, मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सी में कर्नल्स जैसे आइसबर्ग्स अपने पोजिशंस पे फिक्स होते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट
टल अप्रोच। इससे बोला जाता है कि ये जो फॉर्मेशन होगा मेटेलिक बॉन्ड सोडियम के मेटेलिक क्रिस्टल में या किसी भी मेटल के क्रिस्टल में, उसमें सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 1s भी करेगा, 2s भी करेगा, 2p भी करेगा, 3s भी करेगा। जैसे अगर हम सोडियम का क्रिस्टल ले लें तो यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म आता है बैंड। व्हाट इज बैंड? बैंड इज अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी एनर्जी सेम है एग्जैक्टली। जैसे सोडियम में 1s ऑर्बिटल है तो जितने सोडियम होंगे उतने 1s ऑर्बिटल होंगे, सारे 1s ऑर्बिटल का एक बैंड बन जाएगा। उस बैंड को हम दो लकीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1s। ऐसे ही 1s में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल से बनने वाला जो बैंड है हम उसको दो लकीर से दिखा दिए। ऐसे एक 2s बैंड आएगा। 2p में तीन ऑर्बिटल आते हैं तो तीन ऑर्बिटल से हम 6 लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2p बैंड बन गया। ऐसे ही 3s में एक ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल से बनने वाला बैंड हम दो लकीर से रिप्रेजेंट करें, ये 3s बैंड हो गया। तो व्हाट इज बैंड? अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। तो मान लीजिए 10^10 एटम्स हैं सोडियम के किसी सैंपल में, हर सोडियम में एक 1s ऑर्बिटल होगा, तो 10^10 1s ऑर्बिटल मिलके एक 1s बैंड बनाएंगे। ऐसे ही 2s बैंड बनेगा, 2p बैंड बनेगा, 3s बैंड बनेगा, 3p बैंड बनेगा, इसके बाद भी बैंड्स हैं। तो जब एटम का क्रिस्टल बनता है, मेटेलिक एटम का क्रिस्टल बनता है, तो सारे उसके आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स मिलके डिफरेंट बैंड्स बनाते हैं। सो बैंड इज अ ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। अब जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इसमें भरे जाएंगे। तो याद कीजिए एक सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर 10^10 को मान लेते हैं एक्स इज अ ह्यूज नंबर, तो अगर हम एक्स सोडियम एटम लेंगे तो 11x इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर भरने लगेंगे तो 1s बैंड पूरा भर जाएगा, 2s बैंड पूरा भर जाएगा, 2p बैंड भी पूरा भर जाएगा, 3s बैंड में आधा इलेक्ट्रॉन है, दो भर सकते, एक भरा है, तो इसका मतलब ये हाफ पार्ट भरेगा और हाफ खाली रहेगा। उसके बाद कौन सा आएगा? 3p। अब जरा देखिए बैंड के दो टाइप है, एम्प्टी बैंड एंड फिल्ड बैंड। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा गया वो एम्प्टी बैंड हो गया, और जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा वो फिल्ड बैंड हो गया। फिल्ड बैंड, सो बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड। एम्प्टी बैंड, द बैंड विच इन विच देर इज नो इलेक्ट्रॉन। अब एम्प्टी बैंड का लोएस्ट एनर्जी वाला जो पार्ट है, एम्प्टी बैंड का लोएस्ट एनर्जी वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और फिल्ड बैंड यानी नीचे से भरा हुआ है उसका हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं, ये देखिए उल्टा हो गया यहां पर, एम्प्टी बैंड के सबसे नीचे लोअर एनर्जी वाले पार्ट को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सो दिस इज व्हाट, कंडक्शन बैंड। और फिल्ड बैंड जो है उसका हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। याद कीजिए 3s को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 3s और 2p में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी के। तो हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हीट कंडक्ट करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सो फिर से बैंड क्या है? ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। उसमें फिल्ड बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया है, एम्प्टी बैंड जो खाली है। फिल्ड बैंड का सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला पार्ट उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और एम्प्टी बैंड का लोएस्ट एनर्जी वाला पार्ट होता है कंडक्शन बैंड। इसका मतलब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के पास होते हैं। इनकी जो एनर्जी का गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड व्हाट? फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप। ये गैप अगर नेग्लिजिबल है या ये गैप है ही नहीं तो जो भी सब्सटेंस होगा वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर ये गैप थोड़ा कम है तो सेमीकंडक्टर होगा, अगर ये गैप थोड़ा ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इसके बारे में सॉलिड स्टेट में अलग से आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से मेटेलिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा,
ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में ही आते हैं, इसलिए हमने कंप्लीट कर दिया। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हमने कंप्लीट कर दिया है, इसके क्वेश्चन कीजिए और डिस्कस कीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो यूजली हर साल हमसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, या प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे बार बार हमसे पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कशन कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन उसके बाद वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो डिस्कशन के बाद अगर टाइम रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम रिडॉक्स शुरू कर देंगे। थैंक यू।